हेलो वाट्सअप फैमिली, कैसे हो आप सब। हाँ तो यार, आज फिर से हम GTA 5 खेलने जा रहे हैं। तो यार, अगर आपने मेरी कुछ लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि अपन ने ट्रॉन भाई की वजह से मैक्सिकन गैंग वालों को क्या मारा था। तो यार, सीन क्यों चाहिए अपने को पता लग गया है। ये सारा जो कांड करवाया है, ये करवाया अपने मैनेजर खुल्ला सिंह ने। तो यार, आज इसको मैं बहुत सूतने वाला हूँ। तो यार, जैसे आपने देखा, मैंने पूरा भैट वैट निकाल लिया। तो आ जाओ यार, इसको मारते हैं अच्छे वाला। चुपचाप जाके मारूंगा इसको, पता नहीं लगना चाहिए। भाई तुम बताना मत इसको मैं मारने आया हूँ, पीछे से जाके इसको मार दूंगा मैं। बैठ, एक मिनट रुको यार, इसमें मैं गिर गया। अब इसको मैं इसके चित्तड़ लाल कर दूंगा, मार मार के इसके चित्तड़ लाल करूंगा। करो इसके चित्तड़ लाल, मारो और मारो, मारो इसका। हमारी धोखाधड़ी का था, हमारे साथ। अबे बस कर भाई, गुस्सा ही हो जाता। अबे मस्कर, चित्तड़ तो लाल कर दिया इसके, चित्तड़ क्या, मुंह सर पैर सब लाल कर दिया इसका। बस कर भाई, माइकल इतना गुस्से में आ जाता है ना। तो खैर यार, अब मैं बैट को अंदर रख लेता हूँ यार। क्या इसको काफ़ी हमने मार पीट दिया, इसको अब मैं जॉब से ही निकाल दूंगा। गंदा बंदा यार, मतलब हमारे साथ धोखाधड़ी करता है। तो खैर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यार, मेरे को ना काफ़ी बंदों ने बोला था कि तू ना यानी कि थोड़ी लग्जरी गाड़ियाँ इम्पोर्ट कर अपने शोरूम के अंदर। तो यार हाँ, फाइनली हमने लग्जरी गाड़ी इंपोर्ट कर ली है अपने शोरूम के अंदर। तो आपको सर आज मैं टूर देता हूँ कि अपने पास कौन सी लग्जरी गाड़ी आ चुकी है। बाकी और देख लो, पूरे बंदे बंदे लाइन वाइन लगी है, मतलब इतनी ज़्यादा सेल हो रही है ना अपने हमारे शोरूम के अंदर। काफ़ी बंदे बंदे खड़े लाइन से आने दे रहे हैं अपन, क्योंकि आपको पता है COVID-19 चल रहा है और यहाँ एक गाड़ी भी बाहर खड़ी है उल्टी, पता नहीं क्या सीन है। तो यार, आपने ये सारी गाड़ियाँ तो देखी होंगी, ये तो पुरानी गाड़ियाँ थी। बाकी यार, काफ़ी गाड़ियाँ बिक चुकी हैं, ये लास्ट स्टॉक बचा है अपनी गाड़ी के अंदर। मतलब सही है यार, काफ़ी सही है अपना शोरूम। बाकी यार, ये बंदा अभी तक मैगजीन के लिए फोटो ही खींची जा रहा है, और बंदे बंदे भी काफ़ी हैं। बाकी यार, ये क्रेटा जैसी कोई गाड़ी आई है, ह्युंडई की, क्रेटा नहीं बोल रहा, उससे मिलती जुलती कोई गाड़ी है। बाकी यार, ये अपनी कौन सी है, ये अपनी एक मर्सिडीज़ की आई है, आई थिंक 2 सीटर आई है, स्पोर्ट्स कार है, मेरे को नाम नहीं पता, मैं नाम बिल्कुल याद नहीं रखता। बाकी यार, इसका इंटीरियर इतना बढ़िया है ना, अभी मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ कि इसका इंटीरियर है कितना खास। तो ओके भाई, मैं बैठ जाता हूँ अंदर, एक मिनट में आपको इंटीरियर व्यू से दिखाता हूँ ये दिखती कैसी है। बाकी देख रही है यार, कितनी प्यारी दिख रही है भाई। भाई इसका डैशबोर्ड, भाई सीट्स, हर चीज़ की बहुत खास है। बाकी यार, इसका प्राइस भी तकरीबन कोई 1.5 से 2 करोड़ के बीच में पड़ता है, तो काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छी रेंज की गाड़ी है। बाकी यार, ये बंदा भी सोच रहा है शायद खरीद ले, भाई तेरी औकात नहीं है यार खरीदने की। बाकी यार, ये दूसरी मर्सिडीज आ गई अपनी, इसका इंटीरियर भी काफ़ी खास है। इसका नाम आई थिंक 5500 है, ऐसे कुछ नाम है इसका, मेरे को याद नहीं रहता। तो भाई ये भी काफ़ी अच्छी है, ये भी लग्जरी में आ जाती है। मर्सिडीज़ की तो खैर सारी लग्जरी में आती हैं, तो भाई ये भी काफ़ी बढ़िया है। और ये थर्ड गाड़ी कौन सी अपनी भाई, ओके तो यार ये गाड़ी अपनी ऑडी। ऑडी भी आपको पता कितनी ज़्यादा बिकती है इंडिया के अंदर। ये सारी गाड़ियाँ है एक्चुअली इंडियन, पर लग्जरी में आ जाती हैं। तो सही है, अपन लग्जरी गाड़ियाँ भी बेचेंगे सारी, इधर वाली साइड सारी लग्जरी गाड़ियाँ आ गई। तो और ये तो आपको पता लग ही गया होगा कितनी खास होने वाली है। बाकी यार, मैं आपको इंटीरियर से दिखा दूँ कितनी खास है ये भी। तो एक मिनट देखें, आप पीछे से तो नॉर्मल है, बाकी यार इसका डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा खास है, और इसकी जो आवाज़ है ना भाई, मज़े आने वाले हैं आप सब। तो यार, आप भी टूर ले सकते हो मेरे शोरूम में आके, अगर आप चाहते हो मेरे शोरूम में आना तो यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, आप साथ ही मेरे यहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाओगे। तो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यार, ये जो बुढ़ी है ना, मतलब दोनों बहनें हैं ट्विन, वो एक उधर खड़ी है एक इधर खड़ी, दोनों ना पूरे दिन फोटो में खींचते रहती है। मुक्का मार दिया मैंने इसको, पूरे दिन फोटो में खींचते रहती है, काम वाम करती नहीं, इनको झाड़ू पोछे के रखा था अपन ने। बाकी यार, अगली गाड़ी देख रहे हो, आपको पता लग ही गया होगा कि अगली गाड़ी अपनी BMW। भाई BMW बहुत सही गाड़ी है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सही चलती है। तो ओके भाई, मैं आपको इसका मतलब व्यू दिखा देता हूँ, पूरा सही आ रहा है इसका। बाकी अगली गाड़ी है अपनी सेंट्यूरो बोलते हैं ना इसको, बुगाटी, जज मत करना पहले ही बोल दूँ, काफ़ी सही गाड़ी है ये भी। तो बाकी यार, इसका इंटीरियर भी काफ़ी खास है। खैर, बुगाटी यार कोई तकरीबन 122 करोड़ की आती है, ज़्यादा नहीं बोल दिया। खैर, इतने जितने की भी आती है मेरे को प्राइस नहीं पता, काफ़ी अच्छी होती है, मतलब लग्जरी में आती है। बाकी यार, टेक्नो गेमर्स की ढिंका कार भी मैंने चुरा ली, मंगवाई है, चोरा ही नहीं है भाई, चोरी वाले कान पर करते ही नहीं है, करते तो मतलब करते हैं भाई, गुस्सा मत करना, करते हैं पर इतना नहीं करते। बाकी ढिंका कार भी काफ़ी अच्छी है, रेसिंग कार अपन ने कहा 1-2 पीस मंगवा लेते, क्या दिक्कत वाली बात है। बाकी अब आपको ओके भाई, मैं आपको ये दिखा दूँ, आप सोच रहे हो कि इतनी बाइक्स आई कहाँ से, एक्चुअली मैंने कुछ बाइक्स मंगवाई हैं यार इंडिया से, अपनी इतनी अच्छी चल रही है ना यार ये बाइक्स वगैरह की सेल भी, तो यार अपन ने कुछ मंगवा ली है। बाकी यार, जो बुलेट थी वो तो पहले दिन ही बिक गई,
तो अभी और बुलेट वगैरह भी मंगवाएंगे। बाकी यार आपको मॉडिफिकेशन वाले सेंटर की तरफ ले चलता हूँ। तो अपन जो गाड़ी देने मतलब बाइक जो देने वाले थे, ट्रॉन बाइक जो ऑर्डर मिला था, फाइनली वो रेडी हो चुकी है। तो यार ये रही, जी हाँ, मतलब इतनी बढ़िया वाली मॉडिफाई करवा दिया ना। ये ब्लू वाली तो खैर जो मेरी अपनी गाड़ी थी, ओरिजिनल वाली है, उसको भी मैंने मॉडिफाई करवा दिया बुक पूरा। बाकी यार जो दूसरी वाली है, इसको भी मैंने मॉडिफाई करवा दिया है जैसे उसने बिजनेसमैन ने इसको चाहिए थी। तो यार बाकी इसको अभी मैं जाके रेसिंग वेसिंग करके मतलब इसका चेक कर लेता हूँ स्पीड वीड क्या रहने वाली है। तो ओके भाई, मैंने निकाल ली, काफ़ी सही चलने वाली है गाड़ी, ट्रॉन बाइक। मेरी जुबान बहुत फिसल रही है यार, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं रजनीगंधा गाना पड़ेगा, सही रहता है वो, मतलब जुबान वगैरह नहीं फिसलती उससे। तो ओके भाई, ओबे ओबे भाई, स्पीड तो बहुत, पहले गियर में भाई 130 200 250 भाई, बहुत सही चल रही है यार बाइक तो भाई। मतलब कलर भी इसका काफ़ी सही हो गया कलर में। बाकी यार इसका ट्रॉन बाइक का कलर तो रात को पता लगता है यार, बाकी दिन में भी काफ़ी सही चल रही है। मतलब कलर वलर तो दिन में पता लगा नहीं पाएगा इतना। तो ओके भाई, मैं आराम आराम से चलाता हूँ। तो ओके 300, हाँ भाई 300 भी पार कर गई भाई साहब, कतई भाई 300 तो पार है यार, मतलब दूसरे गियर पर 300 पार हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी तकरीबन कोई स्पीड जाएगी 300-400 तक भी आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी यार मैं चल फटाफट अपने शोरूम चलता हूँ, काफ़ी दूर आ चुका हूँ मैं। तो बाकी यार इसकी स्पीड तो भाई कहर मचाने वाली है भाई, लॉस सेंटर्स में सबसे यानी कि फास्ट बाइक होने वाली है। तो ओके यार शोरूम आ चुका है, फटाफट अपन अंदर ले चलते हैं इस बाइक को। तो अपन एक मैंने लस्टर को एक ट्रेलर बोला था, शायद वो ट्रेलर आ रहा हो, फटाफट उस ट्रेलर के अंदर लेके जाएंगे। आपको पता है रिस्क क्यों ले यार, अपन रिस्क नहीं लेने वाले बिल्कुल, कहीं पुलिस वुलिस पकड़ ले। तो ओके यार मैं यहाँ पर ही बाइक खड़ी कर देता हूँ और ट्रेलर के आने का वेट करते हैं अपन। तो चलता हूँ बाहर, ये आना अपना ट्रेलर। बाकी यार ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत आ गई यहाँ पर, मतलब मैं पहले जब आया था तब ये गाड़ियाँ रिपेयर के लिए नहीं आई थी, अब तो काफ़ी गाड़ियाँ आ चुकी है रिपेयर। बंदा फटाफट रिपेयर कर लो यार इसको, मतलब टाइम मत लगाओ, मस्त पैसा वैसा छापेंगे। तो ओके भाई यहाँ पे अभी रात हो रही है फटाफट। तो ओके भाई ट्रेलर आ चुका है फटाफट, अपन अब चलते हैं फटाफट लेके। तो बाकी यार मैंने ट्रेलर के अंदर पूरा अपना बाइक वगैरह लोड कर लिया। तो बैठ जाए माइकल, इतने नखरे करता ना ये बंदा। तो ओके भाई मैं फटाफट बैठ जाता हूँ बाइक के इसके अंदर, ट्रेलर के अंदर। तो भाई फटाफट अपन लेकर चल रहे हैं ट्रक। बाकी यार ट्रक की स्पीड मुझे बहुत कम लग रही है, खैर देखते हैं कि स्पीड थोड़ी तो होनी चाहिए यार इसकी, भाई बहुत कम लग रही है यार स्पीड। बाकी यार मुझे ना आपसे थोड़ी सजेशन चाहिए थी, आप चाहते हो कि मैं यानी कि स्टेयरिंग व्हील से गाड़ी वगैरह चलाऊँ, तो मेरे पास एक स्टेयरिंग व्हील पड़ा है लॉजिटेक का, तो यार उसको भी यूज़ करेगा अपनी वीडियोज़ वगैरह में कार वगैरह चलाने के लिए। आप कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर आपको चाहिए तो मैं ज़रूर चलाऊँगा भाई। तो ओके भाई फटाफट चलते हैं अपन, बातें वगैरह ज़्यादा नहीं करनी, आपको पता ड्राइविंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। बाकी यार ये बाइक ना आज बहुत सही लगने वाली है उस बिजनेसमैन के पास। बाकी और बिजनेसमैन इतना हट्टा कटना है ना उसकी, मतलब क्या बॉडी है क्या भाई। अभी आपको जाके दिखाता हूँ कितना सही है वो बिजनेसमैन। तो भाई ओके भाई फटाफट जा रहा हूँ मैं। तो अपने को ज़्यादा यार स्पीड तो उठ नहीं रही इसकी। बाकी यार अपन ना मैं कोशिश करूँगा उस यानी कि बिजनेसमैन से $1,000,000 ज़्यादा एक्स्ट्रा मांगे, क्योंकि यार आपने इसको सही मॉडिफिकेशन करवाया और पैसे वैसे भी बहुत लग गए इसके ऊपर। तो ओके भाई बिजनेसमैन का घर कोई इधर ही था, अभी आई थिंक इसी रोड पे होना चाहिए यार। पहले मैं आया तो हूँ, मतलब इसको मैंने दो गाड़ियाँ पहले और डिलीवर करी थी, अभी एक ये बाइक भी डिलीवर करने आ रहा हूँ। तो ओके भाई ये ओके ओके आई थिंक यही है, हाँ तो यार सिक्योरिटी तो बड़ी है, ओके भाई पक्का यही है। तो यार ओके मैं ट्रेलर यहाँ से अपना ट्रक वगैरह मोड़ के लगा लेता हूँ, बाइक अपने को उतारनी है फटाफट। तो ओके फटाफट यार देख लेते कोई गार्ड वार्ड पे नहीं मारना, पता लगा हमने गार्ड वार्ड पे चढ़ा दिया ट्रक पर और हम पे गोलियाँ वोलियाँ चला दी। तो यार फटाफट अपन चलते हैं, फटाफट बाइक उतार लेता हूँ मैं। तो उतर जा माइकल फटाफट निकाल ले बाइक। तो ओके यार मैंने अपना ये खोल लिया ट्रक। अब क्यों पहन रहा भाई, कितना पागल बंदा है देखो अब पहन रहा है। चलो यार सेफ्टी मानते हैं अपन को करनी चाहिए। तो ओके यार मैं फटाफट यहाँ पर अपनी खड़ी कर देता हूँ बाइक। हाँ तो यार आप भाई यार आवाज़ तो बहुत सही आ रही है यार इसकी भाई साहब। तो ओके भाई ये रहा बिजनेसमैन, कितना हट्टा कट्टा है देखो यार, मतलब देख के कितना प्यार हो रहा है मुझे तो भाई। इसको कुछ खिलाया पिलाया करो, इतनी बाइक वाइक लेके क्या करेगा, बॉडी गार्ड कुछ खिलाया करो यार इसको, हड्डियाँ वड्डियाँ निकल रही हैं इसकी। बाकी और इसके पास हर गाड़ी हर बाइक है, खैर अब तो ये ट्रॉन बाइक भी आ चुकी। बाकी यार स्कूटी वूटी एक्टिवा वैक्टिवा सब है इसके पास, मतलब ऐसी कोई बाइक ही नहीं है इसके पास जो ना हो। तो यार अपन ध्यान से देख लेते कौन सी बाइक है भाई। ये शोरूम तो मतलब पूरा इसने यहाँ पर भर रखा है बाइक से, इतनी बाइक तो मेरे पास भी नहीं है। खैर काफ़ी अमीर है ये बंदा तो बनता है, इसके पास इतना पैसा वैसा है। तो खैर इससे उधर साइड पर भी है बाइक्स भाई, कितना पैसा है इसके पास।
तो यार मैं फटाफट देख लेता हूँ इसके पास और कौन सी बाइक्स हैं। तो यार ट्रॉन बाइक तो नहीं है इसके पास, कोई बाकी सारी बाइक्स है इसके पास। अबे ये बाइक कितनी खतरनाक है, ये तो एलियन वाली बाइक है ना, तो मतलब सारी बाइक्स है यार इसके पास। तो ओके भाई मैं अपनी पेमेंट रिसीव कर लेता हूँ। हाँ तो सर पेमेंट वेमेंट तो रेडी है ना आपकी? हाँ तो यार पेमेंट दे दिया, बाकी यार पूरा ट्रक व्रक भर गया। अब मैं इसका बंद करके बड़े इजीली लेके चलते हैं, मतलब इजीली नहीं बहुत मुश्किल से लेके चलेंगे, इतनी सिक्योरिटी विक्योरिटी चाहिए। खैर कोई दिक्कत नहीं, सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, अपन ले जाएंगे इसको, अपन ही बहुत है इसके लिए। तो चलो फ्रेंड इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटा आइकन दबा देना। खुश रहो, बाद में मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।